दोस्तों क्वेश्चन पेपर में हमें फटाक से पता चलना चाहिए कि Q कितने पे आता है, M कितने पे आता है, J कितने पे आता है, U कितने पे आता है। अगर हम एक सेकंड के अंदर पता कर लेते हैं कि कौन सा अक्षर कितने पे आता है तो हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसी के बारे में जानते हैं कि आप किस तरह से इनको जल्दी से याद कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोस देंगे, एड फ्री वीडियोस आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। देखिए दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं ए बी सी डी ई। देखिए ये ए बी सी डी में पहले पांच अक्षर ये बिल्कुल आसान होते हैं, ये कोई भी बंदा याद रख सकता है कि सी कितने पे आता है, डी कितने पे आता है और ई कितने पे आता है। इसी तरह से लास्ट के अंदर एक्स वाई जेड जो होता है इनको भी हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं कि ये 24 पे आता है, वाई 25 पे आता है और जेड 26 पे आता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि शुरू के जो पाँच अक्षर और लास्ट के तीन अक्षर ये हमें याद रखना बहुत आसान है, ये हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन से अक्षर है। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं आगे एफ और पी के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्तों एफ और पी के अंदर अगर हम कुछ समानता देखें तो इसके अंदर क्या निकल के आएगी। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए F और P दोनों को उल्टा करने पर हमें 6 की आकृति मिलती है। F और P को देखिए हम दोनों को उल्टा कर देंगे इस तरह से तो ये हमें कुछ कुछ 6 के जैसा मिलेगा। और दोस्तों 6 से हमारे कितने नंबर बनते हैं, एक तो 6 बनता है, एक 16 बनता है और एक 26 बनता है, ठीक है। और दोस्तों हमें पता है कि 26 पे तो हमारा जेड आता है तो ये 26 तो ऐसे कट हो जाएगा यहाँ पे, फिर बचा हमारे पास 6 और 16, तो इसका मतलब क्या हुआ, F जो है वो कितने पे आ जाएगा, 6 पे, और P है वो आ जाएगा 16 पे आ जाएगा। इस तरह से आप इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ से हमारे 6 नंबर से दो अक्षर हो रहे हैं, P और F हो रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए आगे है हमारे पास जी और क्यू। अब इसमें भी देखिए दोस्तों हम समानता देखने की कोशिश करते हैं कि इन दोनों में कॉमन क्या है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जी इस तरह से लिखते हैं और क्यू इस तरह से। जी के अंदर ये देखिए दोस्तों यहाँ पे हम 7 के जैसा ये दिखाई दे रहा है हमें, और इसी तरह से क्यू के अंदर ये देखिए दोस्तों ये भी 7 के जैसा दिखाई दे रहा है यहाँ से। तो दोस्तों वही बात आती है कि 7 से हमारे कितने अक्षर कितने नंबर बनते हैं, एक तो 7 बनता है, एक 17 बनता है, एक 27 बनता है। और हम सभी को पता है कि 27 का किसी भी तरह का कोई अल्फ़ाबेट नहीं आता, तो बाद में हमारे पास क्या बच गए, एक तो 7 बच गया और एक 17 बच गया। तो 7 किसके लिए हो जाएगा, जी के लिए, और क्यू किसके लिए हो जाएगा, 17 के लिए हो जाएगा। तो इस तरह से इन दोनों को भी हम याद कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे देखते हैं कि आगे कौन सा अक्षर है। अब देखिए दोस्तों बात आती है एच, एच को हम किस तरह से याद रखेंगे। देखिए दोस्तों एच को हम इस तरह से लिखते हैं, हम सभी को पता है। और एच को देखिए ऊपर और नीचे से इस तरह से हम मिला देंगे। देखिए ये जो एच है ऊपर से और नीचे से हम हमने दोनों तरफ से मिला दिया इसे, तो क्या बन जाएगा हमारा, 8 बन जाएगा। तो यानी कि फिर क्या हुआ, एच कितने पे आता है, 8 नंबर पे आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे आता है दोस्तों हमारे पास आई। दोस्तों आपने देखा होगा कि आई को हम बड़े में ऐसे लिखते हैं और छोटे में हम कुछ कुछ इस तरह से लिखते हैं। तो ऐसा लिखने में ये देखिए दोस्तों ये जो है हमारा अल्फ़ाबेट कुछ कुछ 9 के जैसा हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, आई कितने पे आएगा दोस्तों, वो 9 पे आएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं, यानी कि देखते ही हमें पता चल रहा है। और आगे देखते हैं हम आगे कौन सा अक्षर आता है। आगे आता है दोस्तों हमारे पास जे आता है। जे को देखिए हम किस तरह से याद रखेंगे।
जे में देखिए दोस्तों, ऊपर का जो है ये डंडा जो है इसे हम एक मान लेंगे, और नीचे जे में जो ये मुड़ा हुआ है इसे हम बिल्कुल जीरो बना देंगे। तो यहाँ से क्या बन जाएगा हमारा, एक और जीरो यानी कि 10, यहाँ से हमारा 10 हो जाएगा, यानी कि जे कितने पे आता है फिर, 10 पे आता है। यहाँ से हम इस तरह से इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। और आगे हम देखते हैं कि आगे कौन सा आता है, आगे आता है दोस्तों के। दोस्तों हरियाणा में, हमारे हरियाणा में बच्चे कहते हैं कि मजाक मजाक में कहते हैं कि ए बी सी डी का 11वां अक्षर के होवे है, के होवे है। तो यानी कि वो उसी में बता रहा है कि क्या है, के होता है 11वां अक्षर के होता है। तो यहाँ ये बिल्कुल आसानी से हम याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे क्या आता है, आगे आता है दोस्तों हमारे पास एल। अब देखिए एल को हम किस तरह से याद रखेंगे, और इसमें देखिए एल को हम इस तरह से लिखते हैं, आप सभी को पता है। तो एल में हम क्या करेंगे, ऊपर का जो पोर्शन है उसे थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, इस तरह से इसे बढ़ा देंगे। तो ये शेप किसकी बन जाएगी दोस्तों, करीब करीब 2 के आसपास बन, यानी कि 2 की बन जाएगी, 2 के जैसी बन जाएगी। और 2 से हमारे क्या क्या काउंटिंग बनती है, एक तो 2 बनती है, एक 12 बनती है, एक 22 बनती है, ठीक है। तो 22 पे तो ये काफ़ी लंबा हो गया, ये नहीं आएगा। और जो ये देखिए दोस्तों, जो 2 है, 2 पे हमें पता है बी आता है, तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा, 12 बच जाएगा, यानी कि एल कितने पे आता है, 12 नंबर पे आता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे कौन सा अक्षर आता है हमारे पास, आगे हम लेके चलते हैं दोस्तों 2 अक्षर को लेके चलते हैं। एक तो हमारे पास एम है और एक हमारे पास डब्लू है। अब देखिए दोस्तों, इसमें भी वही लॉजिक लगाएंगे कि एम और डब्लू से, देखिए एम और डब्लू को थोड़ा सा बस टेढ़ा कर दो, और फिर देखो ये देखो एम और डब्लू को इस तरह से करने पे हमें किसकी आकृति प्राप्त हो रही है, 3 के जैसा ये हमें लग रहा है। और 3 से वही बात आती है दोस्तों कि 3 से क्या क्या बनता है, एक तो 3 बनता है, 13 बनता है, 23 बनता है। 3 पे हमें पता है कि सी आता है, और बाद में क्या रह गया, 13 रह गया और 23 रह गया, यानी कि एम कितने पे आएगा, वो 13 पे आएगा, और डब्लू कितने पे आएगा, 23 पे आएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे आते हैं दोस्तों हमारे पास एन। एन हमें पता है दोस्तों, हम एन को 2 तरह से याद रख सकते हैं कि एक तो एम है वो एन के बाद आता है, जैसे कि एम एन, और एम हमने अभी पता है कि वो 13 नंबर पर आता है, तो एन कितने पर आएगा, 14 नंबर पर आएगा। और इसे हम एक दूसरे तरीके से भी याद रख सकते हैं, जैसे कि एन है इस तरह, एन को हम 2 हिस्सों में काट लेंगे, इस तरह से हमने काट लिया। इन 2 हिस्सों में काटने के बाद दोस्तों हमारे पास ये देखिए, ये भी 7 के जैसा लग रहा है और ये भी 7 के जैसा लग रहा है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो यहाँ से हम इस तरह से भी एन को याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं हम आगे कौन सा आता है, आगे देखिए दोस्तों, आगे आता है हमारे पास ओ। ओ को जैसे कि हमने अभी बताया कि एम एन ओ तीनों इकट्ठे आते हैं, तो उनको हम इस तरह से याद रख सकते हैं कि एम आता है 13 पे, एन आता है 14 पे, ओ आता है 15 पे आता है, ठीक है दोस्तों। इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। आगे देखते हैं हम, आगे देखिए दोस्तों, आगे हमारे पास आता है आर और एस। अब देखिए आर को हम किस तरह से याद करेंगे, आर को वही बात आई दोस्तों, आर को हम इस तरह से लिखते हैं, और नीचे से जब हम इसे मिलाएंगे तो ये हमारा 8 के जैसा हो जाएगा, ठीक है। और 8 का हमने पीछे देखा था कि 8, 8 पे कौन सा अक्षर आता है, अगर आपको याद हो तो 8 पे क्या आता है, एच आता है। तो 8 से हमारे कौन कौन से अक्षर वो अंक बनेंगे, एक तो 8 बन गया, एक 18 बन गया, एक 28 बन गया। तो 28 हमें पता है कि 28 कुछ होता ही नहीं है, और 8 पे हमारा एच आता है, और बच गया क्या दोस्तों हमारे पास, 18 बच गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, आर कितने पर आता है, 18 नंबर पर आता है। तो इस तरह से हम इसे बिल्कुल से याद रख सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास आता है टी। अब देखिए टी को याद रखना बिल्कुल आसान है, जैसे कि हम कहते हैं 20-20 मैच होते हैं हमारे यहाँ पे, तो यहाँ से हम इसे बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं, टी यानी 20-20। तो यहाँ से हम बिल्कुल आसानी से याद रख सकते। अब आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है हमारे पास यू। यू को देखिए दोस्तों किस तरह से याद रखना है, अब इसके लिए थोड़ा सा हमें माइंड लगाना पड़ेगा। इसे भी दोस्तों हम छोटी ए बी सी डी में लिखने की कोशिश करेंगे। देखिए दोस्तों यू को कुछ कुछ हम छोटी ए बी सी डी में इस तरह से भी लिखते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, ये जो पार्ट है हमारा 2 के जैसा लग रहा है, और ये जो है हमारा 1 के जैसा लग रहा है। तो यहाँ से हम किस तरह से याद कर सकते हैं इसे, कि ये कितने पे आएगा, 21 नंबर पे ये आएगा। तो इस तरह से कुछ लॉजिक लगा के हम बिल्कुल आसानी से इसे याद रख सकते हैं। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे आता है दोस्तों हमारे पास वी। अब देखिए
जैसे कि हमने गाड़ियों के पीछे लिखा हुआ देखा है कि वी टू आवर टू, यानी कि वी टू आवर टू, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, वी ए हो गया, वी टू आवर टू यानी कि दो बार दो दो आ गया, तो वी का मतलब क्या हुआ, ये 22 पे आता है। तो इस तरह से हम बिल्कुल वी को बिल्कुल आसानी से याद रख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों हमारे ए टू जेड सभी अल्फ़ाबेट हो जाएंगे बिल्कुल आसानी से। और अगर आप एक बार फिर से रिवीजन करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हैं। NTAUGCNET यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बड़ी आसानी से। तो चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कोडिंग डिकोडिंग से रिपीट होने वाले क्वेश्चन के बारे में और उनकी प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक ऐसा क्वेश्चन दिखा देता हूँ जिसे देख के आप हैरान रह जाएंगे और मेरे से ये कहेंगे कि सर आपने ये वीडियो पहले क्यों नहीं बनाई। तो चलिए दोस्तों वो क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है और इसके अंदर क्वेश्चन नंबर देखिए 22। इसके अंदर देखिए दोस्तों ये जो सीरीज़ ऊपर दी हुई है इसे आप एक और बिल्कुल अच्छे से देखिए, ध्यान में देखिए। देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, इसके अंदर ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी बी और एस बी एल, ठीक है दोस्तों यहाँ पे आपने देख ली। और अब हम देखते हैं कि पहले कहाँ पे रिपीट हुई है। अब ये देखिए दोस्तों ये है हमारा नवंबर 2017 का क्वेश्चन पेपर, इसमें ही यही क्वेश्चन नंबर देखिए दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन, इसमें देखिए ए बी डी डी जी के एम एच एम एस और आगे है एम टी बी। दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। आपको एक बार फिर से मैं ये दिखा देता हूं, ये देखिए दोस्तों इसके अंदर ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है ए बी डी डी जी के एच एम एस एम टी वी और इसमें जो है एक्स्ट्रा दोस्तों एस बी एल दिया हुआ है। और इसके अंदर क्या था, इसके अंदर एस बी एल नहीं दिया हुआ था, अगली सीरीज़ इन्होंने पूछी हुई थी। तो अगली सीरीज़ क्या है दोस्तों, एस बी एल है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी आप देख सकते हैं यहाँ पर रिपीट हुआ है। ये देखिए दोस्तों इसमें नवंबर 2017 के अंदर यहाँ पे एम टी वी तक दिया था, लेकिन जुलाई 2018 में इन्होंने एक और सीरीज़ आगे दे दी और इस सीरीज़ से अगली सीरीज़ इन्होंने पूछ ली। तो यहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तों कि किस तरह से बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बार बार। और दोस्तों हमने इसके अलावा भी काफ़ी तरह की वीडियो बना रखी है, जैसे कि टीचिंग से, रिसर्च से और कम्युनिकेशन वगैरह से किस तरह से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं आज तक बिल्कुल डिट्टो कॉपी। तो वो वीडियो आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लिए ओल्ड पेपर करना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप ओल्ड पेपर करते हो, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, और उन्हें एनालाइज करते हो, देखते हो कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं, तो दोस्तों मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि आपका एग्ज़ाम नेट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आइए दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके देख लेते हैं। दोस्तों अगर आप बार बार इन क्वेश्चन को करते हो तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाते हैं। चलिए देखते हैं हम, ये देखिए दोस्तों ये हमारा जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखते हैं कि किस तरह से करेंगे। दोस्तों इसमें इस तरह से सीरीज़ दी हुई होती है और हमें देखना है कि अगली सीरीज़ क्या आएगी। दोस्तों इसके लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले जो डिजिट दी हुई है यहाँ पे ये इस तरह से आप लिख लीजिए सभी की सभी। और आप क्या करिए दोस्तों, जो लास्ट के दो अक्षर है जैसे बी और डी इसने दिया हुआ है, इनकी नंबरिंग लिखिए। और आप ना पहले से स्टार्ट मत कीजिए, फर्स्ट से स्टार्ट मत कीजिए, क्योंकि फर्स्ट से जो एग्ज़ामिनर है वो हमें कंफ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो हम लास्ट के जो दो डिजिट है उनसे शुरुआत करते हैं। अब देखिए सभी की जो बीच की और लास्ट की जो डिजिट है उनके अक्षर वो अंक हम लिख लेंगे। इसमें देखिए दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं बी दो पे आता है, कल मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से है ये, जी अपना 7 पे आता है, फिर एम 13 पे आता है, टी 20 पे आता है और बी फिर 2 पे आता है, ठीक है। इस तरह से हमने बीच की लिख ली, उसके बाद में लास्ट का जो अक्षर है उसकी लिख लेंगे हम।
जैसे कि डी हमारा 4 पे आता है, के हमारा 11 पे आता है, एस हमारा 19 पे आता है, बी फिर हमारा 2 पे आता है और एल हमारा फिर 12 पे आता है। अब देखिए दोस्तों, अब हमें क्या करना है, अब ये देखिए जो बीच के दोनों अक्षर है इनके अंदर देखिए डिफरेंस कितने का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनका डिफरेंस 5 का है। फिर आगे देखते हैं इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, आगे इसमें 6 का है। फिर आगे देखते हैं आगे इसमें 7 का है और फिर इन दोनों में 8 का डिफरेंस है। इस तरह से हमें इन दोनों में डिफरेंस देखना है कि बीच बीच के जो अक्षर हैं उनमें कितना डिफरेंस है। यहाँ से हमें पता चल रहा है यानी कि 5 का, 6 का, 7 का, 8 का और आगे जो अक्षर आएगा दोस्तों अल्फ़ाबेट आएगा उसके अंदर डिफरेंस कितने का होना चाहिए, 9 का डिफरेंस हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरह से अब हम नीचे देखते हैं यानी कि लास्ट का जो अक्षर है डी और के अंदर देखते हैं। डी हमारा 4 पे होता है, के हमारा 11 पे, इस तरह से हमने लिख लिया ये। तो इन दोनों में देखते हैं तो 7 का डिफरेंस है और फिर के और एस के अंदर देखते हैं 8 का है, फिर एस और बी के अंदर 9 का है और फिर बी और एल के अंदर दोस्तों 10 का अंतर है, इस तरह से हम देख सकते हैं। तो अगला जो अंतर आएगा वो कितने का आएगा, 11 का अंतर आएगा। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो बी है इसमें प्लस 9 करेंगे, बी और यानी कि बी में 9 जोड़ेंगे, बी अपना 2 पे होता है और 9 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 यानी कि के, यानी कि हमारा बीच का जो अक्षर होगा वो क्या होगा दोस्तों, बीच का हो जाएगा अपना के। और लास्ट का क्या होगा, लास्ट का देखते हैं हम। ये देखिए लास्ट का यहाँ पे एल है, एल 12 पे है और डिफरेंस आगे कितने का होना चाहिए, 11 का होना चाहिए। यहाँ से आप देख सकते हैं 7, 8, 9, 10 और आगे कितना होना चाहिए, 11 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 12 के अंदर जब हम 11 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 23 हमारा हो जाएगा। और 23 पे हमारा कौन सा अक्षर आता है दोस्तों, आपको पता है हमारा आता है W आता है। तो हमारा जो आंसर है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और यहाँ पे एक चीज़ और देख सकते हैं दोस्तों आपकी, हमारा जो आंसर आया है के और डब्ल्यू आया है लास्ट के अंदर, के डब्ल्यू केवल और केवल इसी के अंदर है और किसी के अंदर नहीं है। तो इस तरह से हमारा जो राइट आंसर है वो बी हो जाएगा। तो इस तरह से आप दोस्तों निकाल सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। अब देखिए दोस्तों ये भी हमारा जुलाई के अंदर आया था, इसे हम किस तरह से करेंगे। इसमें देखिए दोस्तों एक कोड दे देते हैं, वो कहते हैं कि इस कोड को इस तरह से यानी कि इस तरह से लिखते हैं। तो इस कोड को कोलकाता को हम कैसे लिखेंगे, अब ये देखिए दोस्तों जुलाई 2018 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि वाराणसी को हम इस तरह से लिखते हैं तो कोलकाता को हम किस तरह से लिखेंगे। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर हमें क्या करना है, सबसे पहले हम वाराणसी और ये जो है डिजिट इन दोनों को हम इस तरह से लिख लेंगे और फिर उनकी हम नंबरिंग देंगे। नंबरिंग देने के बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन बिल्कुल आसान हो जाता है। ये देखिए इन सभी की हमने यहाँ पे देखिए हमने इन सभी की नंबरिंग दे दी है और नंबरिंग के बारे में मैंने कल वीडियो डाली थी, वहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं कि किस तरह से हमें नंबर याद रखने हैं। और आगे फिर नीचे भी हमने दे दी है। तो अब इनमें हम डिफरेंस देखते हैं। अब देखिए इन दोनों के अंदर डिफरेंस 1 का है, फिर आगे 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है, फिर 5 का, फिर 6 का, 7 का, 8 का। तो आगे जो यानी कि आगे हमें जो डिजिट बनानी है आगे, तो वो कैसे बनेगी दोस्तों, उसके अंदर भी क्या होना चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का डिफरेंस होना चाहिए। यानी कि कोलकाता के अंदर हम क्या करेंगे, के अंदर हम 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा, के कितने पे होता है अपना, 11 पे होता है और 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और 12 नंबर पे अपना क्या आता है, एल आता है। और एल से दोस्तों हमारे कौन कौन से ऑप्शन बन रहे हैं, एक तो ऑप्शन नंबर 4 और एक ऑप्शन नंबर 1 बन रहा है। ठीक है, यहाँ से हमारे ये जो दोनों है ये यहाँ से कट हो जाएंगे। अब हम आगे देखते हैं। आगे दोस्तों आप क्या कीजिए कि लास्ट के 3 अक्षर ले लीजिए और उनका निकालिए। ठीक है, ये जो लास्ट के ए टी है इन तीनों को ले लीजिए और निकाल के देखिए और देखिए लास्ट में 3 किसके अंदर मैच कर रहे हैं। तो इस तरह से आप दोस्तों आसानी से जल्द क्वेश्चन निकाल सकते हैं। हमें सभी के सभी डिजिट निकालने की ज़रूरत नहीं है, हम कोई भी 4 या 5 निकाल के क्वेश्चन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं दोस्तों आगे कौन सा क्वेश्चन है। और आगे देखिए दोस्तों ज़्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो आसान ही होते हैं, लेकिन कई बार डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी आ जाते हैं, लेकिन दोस्तों अगर हम प्रैक्टिस करते हैं बार बार तो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। अब इसमें देखिए दोस्तों हमारे पास कोवलेंट दिया है और इसका जो कोड दिया है इन्होंने ये दिया है और आगे हमें एलिफेंट का बताना है। तो देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो कोवलेंट है
सबसे पहले अपना जो कोवलेंट है और ये जो कोड है ये दोनों हम यहाँ पे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे। और उसके बाद में वही दोस्तों करेंगे कि हम इसमें नंबरिंग देंगे, सभी की सभी नंबरिंग देंगे यहाँ इस तरह से, और नीचे भी इस तरह से हम नंबरिंग देंगे इनको। और फिर हम देखेंगे कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सी है, तो सी का फिर ये डी कहाँ पे जाके आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। और ये जो ए है, ए का यहाँ पे बी आ रहा है। और ये 15 का फिर 16 यहाँ पे आ रहा है, 22 का 23 यहाँ पे आ रहा है। तो इस तरह से आपको दोस्तों थोड़ा उसके अंदर देखना है, एनालाइज करना है कि कहाँ पे क्या मैच हो रहा है, क्या हमारी सेटिंग बन रही है, उस हिसाब से हमें क्वेश्चन को करना है। और तो दोस्तों आपको यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो ये हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करके देखना, आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे ये। ये देखिए दोस्तों इन सभी में एक एक प्लस किया हुआ है, सी के बाद में डी यहाँ पे आ गया, ओ के बाद में हमारा पी यहाँ पे आ गया, वी के बाद में हमारा डब्ल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरह से आप देख सकते हैं कि प्लस एक किया हुआ है सभी में, लेकिन उनकी जो पोजीशन है वो इन्होंने चेंज कर दी है थोड़ी सी। तो ये हमें देखना है कि कौन सी पोजीशन पे कौन सा अक्षर आ रहा है, तो इस तरह से हमें ये करना है। और आगे देखते हैं दोस्तों आगे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि हॉस्पिटल को इस तरह से लिखते हैं तो बायोलॉजिकल को किस तरह से लिखेंगे। तो इसके अंदर दोस्तों कुछ भी प्लस या माइनस नहीं हो रहा, बस इसके अंदर क्या है कि जो इसके अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, जो अक्षर की जो पोजीशन है वो चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एस कहाँ पे आ रहा है, एच कहाँ पे आ रहा है, ओ कहाँ पे लिख रहे हैं, ये आई कहाँ पे लिख रहे हैं, टी कहाँ पे लिख रहे हैं। तो ये सारी की सारी पोजीशन आप यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। वही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि आप कोशिश करके देखिए, ट्राई करके देखिए, जब बार बार आप क्वेश्चन करोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन हमें किस तरह से करना है। और दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोस को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। NTA UGC NET यानी निमिज नेट, ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स, ऑल 10 यूनिट एड फ्री वीडियोस, 2012 से लेकर 2020 तक ऑल शिफ्ट क्वेश्चन पेपर फर्स्ट एंड सेकंड विद आंसर की, टॉपिक वाइज क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन वीडियोस और नोट्स, डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर। देखिए दोस्तों जैसे आप ये देख सकते कि ये जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया है, और आगे जैसे जुलाई 2016 में, जून 2015 में, तो इस तरह से ये क्वेश्चन काफ़ी आए हैं दोस्तों। ये देख सकते हैं आप दिसंबर 2012 तक क्वेश्चन आए हैं। तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने दिया है कि ए का कूट सी है, यानी कि ए को सी लिखा जाता है, एम को आई लिखा जाता है, एन को पी लिखा जाता है। तो इस तरीके से सभी शब्दों को दूसरे से रिप्लेस किया जाता है। तो कंपनी है, कंपनीज को हम किस तरह से लिखेंगे। देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी दोस्त क्या करेंगे कि एक एक चीज़ लिखेंगे, कि जैसे ए को क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, यहाँ पे एम को कहते हैं, आई कहते हैं, इस तरीके से सारे के सारे शब्द लिखेंगे। लेकिन दोस्तों हमें ऐसे नहीं करना है, हमें जल्द से जल्द ये क्वेश्चन किस तरह से करना है वो हमें आना चाहिए। देखिए हमारा जो तरीका है वो उस तरीके से आप देखने की कोशिश करिए, और जिससे आपका बहुत ही आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा। देखिए हम क्या करेंगे कि हम लास्ट के अंदर इसमें तीन चीज़ ले लेंगे, जैसे आई ई एस, ये तीन चीज़ ले लेते हैं और इन्हीं से हमारा क्वेश्चन निकल जाएगा। पूरा कंपनी जो है, कंपनीज का जो कोड है वो लिखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट के अंदर देखिए आई ई एस ये ले लेते हैं, आई ई एस। अब देखिए आई को हम इसके अंदर किसके द्वारा लिखते हैं, आई का ए, ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं आई को ए से लिखते हैं। फिर है ई, ई को हम किससे लिखते हैं, ई का है एम, ई का क्या है दोस्तों, एम है। और उसके बाद में एस, एस को किससे डिनोट किया जाता है, ये देखिए एस का है ओ, एस को किससे रिप्लेस किया जाता है, ओ। तो अब हमें लास्ट में जो आई ई एस है इसकी जगह ए एम ओ कौन से ऑप्शन में है वो हमें देखना है दोस्तों। यहाँ से देखिए ऑप्शन नंबर 4 ए एम ओ, यहाँ पे केवल और केवल ऑप्शन नंबर 4 में दिया है,
एक में, दो में, तीन में नहीं है। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर 4 आएगा। और इसमें आपको पूरी की पूरी जो डिजिट है यानी कि पूरा जो नाम लिखा हो उसका डिकोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, आप लास्ट के 3 अक्षर कीजिए, वहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से 10 सेकेंड के अंदर ये आंसर निकाल सकते हैं। और आगे हम और क्वेश्चन देखते हैं, उनमें हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिए आगे इन्होंने कहा है कि सिलेक्शन जो शब्द है, सिलेक्शन को ये लिखा जाता है QCJCA, यानी कि ये इन्होंने शब्द दिए हैं ये लिखा जाता है, तो अमेरिकन्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो इसके अंदर भी दोस्तों हम क्या करेंगे कि लास्ट के 4 अक्षर लेंगे, लेकिन नॉर्मली दोस्त क्या करते हैं वो शुरुआत से शुरू करते हैं, यानी कि शुरू के जो अक्षर होते हैं वहाँ से शुरू करते हैं। और वो क्या होगा दोस्तों, अगर आप शुरू से शुरुआत करेंगे क्वेश्चन की तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन अगर हम लास्ट से शुरू करते हैं क्वेश्चन को तो बहुत आसानी से और जल्दी से हमारा क्वेश्चन निकल जाता है। अब देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो हमारा सिलेक्शन है और ये जो है इन दोनों के अंदर क्या रिलेशन है, वो रिलेशन हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि क्या रिलेशन हो सकता है। सबसे पहले हम जैसे लास्ट में ही लेते हैं TION, ये ले लेते हैं और नीचे ये ले लेते हैं। ठीक है, N को L लिखा जाता है, O को M लिखा जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर रिलेशन देखते हैं। अब देखिए M जो N है हमारा 14 पे आता है दोस्तों, और L है वो आता है हमारा 12 पे आता है, फिर O है O आता है हमारा 15 पे आता है, और M जो है M कितने पे आता है दोस्तों हमारा 13 पे आता है। ठीक है, और फिर I जो है दोस्तों I आता है हमारा 9 के ऊपर आता है, और G है हमारा 7 के ऊपर आता है। अब देखिए दोस्तों इनके अंदर आप एक चीज़ देखिए, ये 14 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 13 है, तो ये दो दो कम होते हुए जा रहे हैं। ऊपर की जो डिजिट है दोस्तों उनमें से दो नंबर कम करके नीचे वाला लिखा गया है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, और जैसे ये है टी, है टी हमारा कितने पे होता है दोस्तों, T20 यानी कि मैंने बताया था 20 पे होता है टी, और नीचे है आर, आर कितना है 18 पे, यानी कि दो नंबर कम कर दिए ना, तो यहाँ से हमें पता चल गया कि दो दो कम हो रहे हैं। तो यही काम हम इसमें करेंगे दोस्तों CANS। अब देखिए जो एस है, एस कितने पे होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 के ऊपर होता है, सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए 19 हो गया, और जो एन है, एन होता है हमारा 14 के ऊपर होता है, ए जो है ए होता है हमारा 1, और सी जो होता है वो होता है हमारा 3। अब इनमें से दो दो कम कर दीजिए, अब 19 में से दो कम करेंगे 17, और 17 पे क्या आता है हमारा दोस्तों, 17 पे आता है हमारा क्यू आता है, फिर है एन यानी कि 14, 14 में से दो कम करेंगे 12 आएगा, 12 पे क्या अक्षर आता है हमारा एल आता है, ये मैंने आपको बताया था। और उसके बाद आता है दोस्तों जैसे हमारे पास ए, ए में से हम दो कम करेंगे तो एक तो ए कम हो गया और एक जेड कम हो गया, तो क्या आएगा दो कम करने पे हमारे यहाँ पे वाई आएगा। फिर है सी, सी में से जब हम दो कम करेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारे पास ए। तो अब हमें ये देख लेना दोस्तों लास्ट के जो 4 डिजिट है AYLQ इन 4 ऑप्शन में से कहाँ पे आ रहा है। ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हमारा AYLQ यहाँ पे आ रहा है, इसके अंदर लास्ट के अंदर आ रहा है। तो दोस्तों केवल और केवल हम ये 4 यूनिट निकाल के, 4 जो अक्षर है इनको डी कोड करके हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन कर सकते हैं। हमें पूरी की पूरी ये AMERI ये पूरे की पूरी जो अक्षर है उनको डी कोड करने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, और हर क्वेश्चन दोस्तों इसी तरह से करना है हमें, बिल्कुल आसान है। और जो लोग सोचते हैं कि रीजनिंग है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होती है, हमारे समझ में नहीं आती, तो दोस्तों ये हमारे अंदर एक गलत फहमी भर जाती है, तो उसको आज तोड़िए। अब देखिए अब आया है हमारा ये अगला क्वेश्चन, इसके अंदर मथुरा को इस तरीके से लिखा जाता है, तो होटल्स को किस तरह से लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम वही काम करेंगे दोस्तों, इन दोनों के अंदर रिलेशन देखेंगे कि रिलेशन क्या है इनके अंदर। देखिए जैसे एक मिनट, देखिए ए है, ए हमारा होता है एक पे होता है, ठीक है, और जो एक्स है, एक्स कितने पे होता है दोस्तों, मैंने आपको बताया था एक्स वाई जेड, यानी कि जो जेड होता है 26 पे होता है, वाई एक्स वाई जेड यानी कि 24 25 26, यानी कि ये होता है 24 पे होता है हमारा, और जो आर है, आर होता है हमारा 18 पे होता है दोस्तों, और जो ओ होता है वो होता है हमारा 15 पे होता है। तो इस तरह से कर सकते हैं, यू जो होता है हमारा वो 21 पे होता है, 21, और जो आर
उसके बाद है आर, आर होता है हमारा 18 पे होता है। तो अब इन सभी में देखिए दोस्तों कितने कितने का डिफरेंस है, अब इनके अंदर देखते हैं हम कितने का डिफरेंस है। जैसे ए हमने देखा था, ए है हमारा एक, एक मिनट रुकिए मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ। हाँ, ए है हमारा एक पे और जो एक्स है वो 24 पे, तो इन दोनों के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, इन दोनों के अंदर हमारा 3 का डिफरेंस है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये हमारा 3 का डिफरेंस है। फिर 18 और 15 के अंदर ये देखिए इन दोनों के अंदर कितने का, 3 का डिफरेंस है। और फिर ये देखिए 21 और 18 के अंदर भी हमारा 3 का डिफरेंस है, यानी कि 3-3 डिफरेंस है। और ये जो 3 है दोस्तों ऊपर से माइनस हो रहा है नीचे की तरफ, ऊपर जो है उनमें से 3 अगर जो 3 नंबर है वो कम करके नीचे डिजिट लिखी गई है, यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। यानी कि जैसे यहाँ पे 18 था, आर था, 18 में से 3 गए 15, 15 का आ गया हमारे पास ओ आ गया। तो इसी तरीके से हमारा जो होटल है उसके अंदर करना है। ठीक है, तो अब होटल में करके देखते हैं। और होटल में भी हम क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट लेंगे। अब देखिए होटल की 3 डिजिट ले ली ई एल एस, अब ई एल एस में 3-3-3 कम करते। अब देखिए एस जो है, एस हमारा कितने में होता है दोस्तों, एस होता है हमारा 19 पे होता है, सॉरी एस होता है हमारा 19 पे होता है। 19 पे हम जब 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 16, तो 16 पे क्या होता है हमारे पास पी होता है। फिर आ गया L, L कितने पे होता है, L होता है हमारा 12, 12 में से जब हम 3 कम करेंगे तो 9, और 9 क्या होता है दोस्तों, 9 होता है हमारे पास I। अब बात आती है E, E होता है हमारा 5 नंबर पे, 5 में से जब हम 3 कम करेंगे तो हमारे पास आएगा 2 आएगा, 2 पे होता है दोस्तों हमारे पास B। अब देखिए BIP हमें देखना है कि इसके अंदर कौन सा ऑप्शन है लास्ट के अंदर, तो BIP है ऑप्शन नंबर 2 के अंदर। तो यहाँ से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसमें देखा दोस्तों हमने पूरा जो होटल है पूरे होटल की डिजिट को डिकोड नहीं किया है, हमने हमने केवल लास्ट के 3 जो अक्षर हैं उनको डिकोड किया है, वहीं से हमारा आंसर आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से और बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम आगे एक और क्वेश्चन करके देखते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये हमारा अगला क्वेश्चन है स्ट्रीमर्स। अब स्ट्रीमर्स का कूट इन्होंने ये दिया है, तो नॉलेज का क्या होगा वो हमें देखना है। अब देखिए इसके अंदर हम वही चीज़ करके देखते हैं कि लास्ट के अंदर 3 डिजिट ले लेते हैं, पूरा शुरू से नहीं करेंगे, लास्ट के अंदर 3 डिजिट लेके देखते हैं। अब देखिए लास्ट के अंदर हमने ये 3 डिजिट ले ली, ई आर एस ले लिया। अब देखिए जो एस है हमारा 19 पे दोस्तों, ये मैं लिख लेता हूँ, एस है हमारा 19 पे। आर जो है दोस्तों, आर है हमारा 18 पे है, 18। और जो ई है दोस्तों, ई हमारा कितने पे आता है, ई आता है 5 पे आता है। ठीक है, और अब नीचे देखते दोस्तों यहाँ पे, अब देखिए आर जो है, आर है हमारा 18 पे, और जो क्यू है हमारा 17 पे, डी है हमारा 4 पे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 19, 18, 18, 17, 5, 4, यहाँ से अब हमें पता चल गया ना कि ऊपर जो डिजिट है उसमें से एक माइनस करके नीचे डिजिट लिखी गई है, तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से पता चल गया। तो हमें इसमें भी क्या करना है दोस्तों, ऊपर जो डिजिट है उनमें से एक एक माइनस करके नीचे लिखना है। सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात याद रखने वाली ये है कि हमें सभी अक्षर पता होना चाहिए कि के कितने पे है, एन कितने पे, ओ कितने पे, डी कितने पे, जी कितने पे आता है ए बी सी डी के अंदर। ठीक है, तो इस पे मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, उसके अंदर आप केवल और केवल 5 सेकेंड के अंदर बता सकते हैं डब्ल्यू कितने पे, ओ कितने पे है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, उसके अंदर आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं अल्फाबेटिकल रीजनिंग। अब देखिए अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन में, जैसे लास्ट के 3 अक्षर लेते हैं डी जी ई, और ऊपर हमने देखा कि एक एक माइनस होता हुआ आ रहा था ऊपर से, तो ई सबसे पहले हमें पता होना चाहिए ई कितने पे, ई होता है दोस्तों हमारा 5 नंबर पे। फिर है जी, जी होता है हमारा 7 नंबर पे। फिर है डी, डी होता है हमारा 4 नंबर पे। अब एक एक कम करते हैं, 5 में से एक कम किया 4, 4 पे होता है हमारे पास दोस्तों डी। अब देखिए जी, जी है 7, 7 में से हमने एक कम किया तो 6, 6 पे क्या होता है दोस्तों हमारे पास वो होता है F होता है, 6 पे होता है हमारे पास F। फिर है D, D है 4, 4 में से जब हम एक कम करेंगे 3, 3 होता है दोस्तों C पे। ठीक है, अब CFD देखना है दोस्तों हमें यहाँ पे किसके अंदर है, तो ये देखिए CFD लास्ट के अंदर, इसके अंदर है CFD। तो ये जो B इसका आंसर है वो बिल्कुल राइट आंसर इसका
हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से बिल्कुल आसानी से, कोई डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बहुत ही जल्द क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसके बाद भी कई क्वेश्चन आए हैं, देखिए ये जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से नोट कर सकते हैं, आप नोट कर लीजिए और आप करके देखना दोस्तों, इन सभी क्वेश्चन के आंसर निकाल के देखना। आंसर वैसे साथ के साथ दिए हुए हैं, आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद जैसे दोस्तों ये है सितंबर 2013 का है, और इसका क्वेश्चन आप सभी बताना दोस्तों क्या इसका आंसर आएगा। बहुत ही आसान है दोस्तों, बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। मैं देखना चाहता हूँ कि आप कितना कुछ क्या सीख रहे हैं। सितंबर 2013 का इसका आंसर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। ये सभी के सभी दोस्त अपने कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना और मुझे बताना कि क्या इसका राइट आंसर आएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि आप कितना सीख रहे हैं। और इसके बाद भी और भी कई क्वेश्चन है, जैसे दिसंबर 2013 में आया है, यहाँ पर ये हमने आंसर भी दिया हुआ है, तो आप ये चेक करना कि क्या इसका आंसर यही होगा या नहीं होगा। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए दोस्तों करवाने को मैं करवा सकता हूँ, सभी के सभी क्वेश्चन करवा सकता हूँ, बिल्कुल आसान है, लेकिन आपकी प्रैक्टिस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने करीब 3 से 4 क्वेश्चन आप सभी के लिए छोड़ दिए हैं, ये आप करके देखना। और इन क्वेश्चन में आप आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, यहाँ पर आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके कोई भी सवाल जवाब हमसे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए, ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों। दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करवाएंगे। नंबर एक पे दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट स्टडी नोट्स देंगे न्यू अपडेटेड सिलेबस के अनुसार, प्लस में सितंबर 2020 में जो क्वेश्चन आए हैं उसके अनुसार हमने ये नोट्स तैयार किए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको ऑल 10 यूनिट के वीडियोज देंगे, एड फ्री वीडियोज आपको मिलने वाली है। इसके साथ साथ नंबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक सभी शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश में विद आंसर की आपको मिलने वाले हैं। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक टीचिंग के क्वेश्चन अलग देंगे, रिसर्च के अलग देंगे, कम्युनिकेशन के अलग देंगे, इस तरह से सभी यूनिट के क्वेश्चन आपको अलग अलग मिलेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको मोस्ट रिपीटेड होने वाले क्वेश्चन के बारे में बताएंगे, प्लस में आपको नोट्स भी देंगे। इसके साथ साथ दोस्तों फ्री में हम आपको 2012 से लेकर दिसंबर 2019 तक ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर सेकंड भी देंगे विद आंसर की। और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका लाइव मॉक टेस्ट लेंगे यूट्यूब पे। तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स ज्वाइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए, या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। दोस्तों आज हम मैथमेटिक्स रीजनिंग के अंदर नंबर सीरीज शुरू करने वाले हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों हमें इसके कुछ बेसिक पैटर्न है वो हमें पता होना चाहिए, कुछ बेसिक टिप्स है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो हमें पता चल जाते हैं तो हम बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। और यूजीसी नेट के अंदर बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं, अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल आसानी से सभी के सभी क्वेश्चन बिल्कुल राइट कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं बेसिक पैटर्न ऑफ नंबर सीरीज। देखिए हमारे क्वेश्चन पेपर में काफ़ी तरह की नंबर सीरीज आते हैं, हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि इसके अंदर क्या होगा। आपने देखा होगा कि किसी के अंदर बढ़ते क्रम में होता है, किसी के अंदर घटते क्रम में होता है, और किसी के अंदर मिक्स मिक्स नंबर दिए हुए होते हैं, तो हमें पता नहीं चलता। तो हम एक एक स्टेप देखते हैं और उसमें देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब देखिए जो सबसे पहली जो नंबर सीरीज है दोस्तों, वो हम कह सकते हैं कि प्राइम नंबर की सीरीज आ सकती है। प्राइम नंबर के अंदर क्या होता है दोस्तों, जो केवल और केवल खुद से भाग होता हो और या फिर एक से डिवाइड होता हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1, 1, 2, 3, 5, 7। ये देखना आप, ये एक तो खुद से डिवाइड हो रहे हैं और दूसरा एक से डिवाइड हो रहे हैं, तो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों वो हमारा क्या आएगा, 1, 3, 5, 7, फिर क्या आएगा दोस्तों, 11 आएगा, 11, ना कि 9। 9 नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि 9 जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। यानी कि इस तरह का नंबर जो केवल और केवल खुद से और एक से डिवाइड होता है, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर कहते हैं। और इसमें दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं, जैसे 11, 13, 17, 19, ये केवल और केवल खुद से डिवाइड हो रहे और एक से हो रहे, इसके अलावा किसी थर्ड नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे। तो इस तरह की नंबर सीरीज हमें काफ़ी बार देखने को मिलती है। उसके बाद दोस्तों जो हमारी अगली नंबर सीरीज आती है, इसके अंदर होता है
पैटर्न ऑफ डिफरेंस। इसके अंदर क्या होता है कि पैटर्न, उसके अंदर इस तरह का पैटर्न दिया हुआ होता है कि सभी के अंदर जो डिफरेंस है वो सेम होता है। जैसे कि इसके अंदर हम देखते दोस्तों, हम 2 और 5 के अंदर 3 का डिफरेंस है, आगे फिर 5 और 10 के अंदर 5 का है, फिर 10 और 17 के अंदर दोस्तों 7 का है, और फिर 17 और 26 के अंदर दोस्तों 9 का है। तो आगे हमारा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे इसमें देखिए दोस्तों, इसमें कितने का डिफरेंस है, 2-2 का है। 3 देखिए दोस्तों, 3, 5, 7, 9, इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, 2-2 का डिफरेंस है। तो जब हम 9 के अंदर 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 11 यहाँ पे हो जाएगा। और ये जो 11 है दोस्तों, ये 11 हमें 26 के अंदर ऐड करना है, और 26 के अंदर जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 37 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से भी इसके अंदर पैटर्न होता है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। और ये दोस्तों यहाँ पे माइनस के अंदर भी हो सकता है, यानी कि शुरू के अंदर 26, फिर 17, फिर 10, इस तरह से भी ये पैटर्न हो सकता है। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे हमारे पास स्क्वेयर और क्यूब। स्क्वेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी भी नंबर की पावर 2, ठीक, और किसी भी नंबर की पावर जब 3 होती है तो उसे हम क्यूब कहते हैं। ये हमने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। अब देखिए इसके अंदर जो सबसे पहला एग्जांपल है उसके अंदर देखते हैं कि इसमें दिया 1, 4, 9, 16, 25। इसके अंदर आप देखना कि 1 जो है वो 1 की पावर 1 हो गया, फिर आगे है 2 की पावर 2, 3 की पावर 2, फिर 4 की पावर 2। अब इसमें देखिए दोस्तों, 1 की पावर 1 हो गया, 2 की पावर 4, 3 की पावर 9, 4 की पावर 16 और 5 की पावर 25, 6 की पावर 36 हो गया। तो यहाँ पे जो ये दिया हुआ है खाली, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे आएगा हमारा 7 की पावर 2, यानी कि 77, 49। यानी कि यहाँ पे हमने देखा 1, 2, 3, 4, 5 की पावर होती हुई जा रही है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 7 की पावर यहाँ पे आ जाएगा, 77, 49 इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे देखिए दोस्तों, आगे जो ये जो हमारा एग्जांपल है, इसके अंदर देखो दोस्तों, इसके अंदर आप ध्यान से देखना, इसके अंदर क्या है कि 1 है, 1 की पावर इन्होंने 3 दे दी, फिर है 2 की पावर 3 दे दी, और फिर है 3 की पावर 3 दे दी। अब ये सभी हम करके देखते हैं दोस्तों, 4 की पावर 3। अब देखिए 1 की पावर 3 क्या होता है, 1 होता है, 2 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, फिर 3 की पावर 3 क्या कितना होता है, 27 होता है, फिर 4 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 64 होता है, और फिर इसने ये जो 125 है, 5 की पावर 3 दोस्तों, ये 125 हो जाएगा। और यहाँ पे आगे जो नंबर आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, 6 की पावर 3 आएगा। 6 की पावर 3 कितना होता है दोस्तों, 216 इसका आंसर होता है। तो यहाँ पे इसका 216 आंसर आएगा। तो इस तरह से भी हमें देखना है। और एक चीज़ और दोस्तों, यहाँ पे हमें कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर पावर करनी है या प्लस करना है, क्या करना है, सबसे पहले हमें ये देखना है दोस्तों, ये जो नंबर सीरीज हमें दी हुई है, ये हमें ये देखना कि ये कंटिन्यूसली बढ़ रही है या घट रही है, क्या हो रहा है। अब इन दोनों में आप देख लेना दोस्तों, ये कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जा रही है, कोई भी नंबर पिछले नंबर से कम नहीं है, ज़्यादा ही है। जब ये देखिए यहाँ पर बढ़ता हो जा रहा है, 1, 4, 9, 16, 25, 36 और फिर 64 है यहाँ पर, तो इसका मतलब क्या है, इसमें प्लस हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो रहा है या फिर इसका स्क्वायर या क्यूब हो रहा है। इन 4 चीज़ों में से एक चीज़ होगी, या तो प्लस होगा इनके अंदर, या फिर मल्टीप्लाई गुना होगा किसी नंबर से, या फिर इसका स्क्वायर होगा, या फिर इसका क्यूब होगा। ये चीज़ हमें देखना है इसके अंदर। और आगे देखते हैं दोस्तों, आगे किस तरह से है पैटर्न। अब देखिए पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर। अब देखिए इसके अंदर क्या होता है कि पीछे हमने जो देखा था, जो पैटर्न है वो नेक्स्ट नंबर से ही जुड़ता हुआ जा रहा है इस तरीके से, लेकिन इसके अंदर क्या होता है दोस्तों, पैटर्न इन अल्टरनेट नंबर, यानी कि एक नंबर का तीसरे नंबर से जो रिश्ता हो सकता है। अब देखिए इसके अंदर हम देखने की कोशिश करते हैं, ये देखिए ध्यान से देखिए, इसके अंदर क्या है कि जो हमारे नंबर है वो बढ़ नहीं रहे। ये देखिए इसके अंदर यहाँ से 2 से 9 हो गया, 9 से फिर 5 हो गया, यानी कि पहले प्लस हुआ, फिर माइनस हुआ, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर प्लस हो गया और फिर माइनस हो गया, यानी कि एक बार प्लस हो रहा है, एक बार माइनस हो रहा है, प्लस माइनस इस तरीके से चल रहा है। इस तरह की सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है दोस्तों, हमें एक नंबर का 3 नंबर से रिलेशन देखना है क्या है। अब देखिए इसके अंदर हम करके देखते हैं, 2 और 5 के अंदर डिफरेंस देखिए दोस्तों कितने का है, 3 का है, और फिर 5 और 8 के अंदर देखिए 3 का है, और फिर 8 और 11 के अंदर देखिए
तीन का है, ठीक है। तो अब जो अगला जो नंबर आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो नंबर आएगा, ये एक नंबर छोड़ देते, तो यहाँ पे क्या नंबर आएगा, वो आएगा 11 के अंदर 3 ऐड कर दीजिए, कितना आएगा 14, यानी कि 14 इसका नंबर आ जाएगा। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। अब अगला पैटर्न आता है दोस्तों हमारे पास ओड वन। ओड वन के अंदर क्या होता है दोस्तों, एक नंबर हमें गलत दिया हुआ होता है, वो हमें पहचानना होता है कि कौन सा नंबर इन्होंने गलत दिया है। जैसे कि यहाँ पे इसमें एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे आप देखो 3, 5, 11, 17, 21। अब ये देखिए दोस्तों, इसके अंदर क्या डिफरेंस हो सकता है, इसके अंदर देखो दोस्तों क्या डिफरेंस हो सकता है। इसके अंदर एक तो हमारा 14 जो नंबर है, ये 2 7 14 से डिवाइड हो रहा है, और एक हमारा 21। इन दो नंबर को छोड़ के देखिए दोस्तों, एक तो 14 को, एक 21 को हम छोड़ देते हैं, तो और जितने भी नंबर है जैसे 3, 5, 11, 17, ये केवल और केवल अपने आप से डिवाइड हो रहे हैं और एक से डिवाइड हो रहे हैं, जो मैंने प्राइम नंबर की बात की थी आपसे, सबसे पहले जो बात की थी। तो इन दो नंबर को छोड़ के और जितने भी नंबर हैं वो हमारे प्राइम नंबर है और ये हमारे प्राइम नंबर नहीं है। तो इस तरह से हमें कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गलत है। आगे दोस्तों हमारे पास पैटर्न इन एडजेसेंट नंबर, इसके अंदर क्या होता है दोस्तों हम देखते हैं। देखिए अब इसमें एग्जांपल देखते हैं दोस्तों, देखिए इस एग्जांपल में क्या दिया हुआ कि पहले 3, 6, 18, 72 दिया है, तो इसे थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए 3 और 6 के अंदर क्या रिलेशन है, 3 गुना में 2 यानी कि 6 आ गया। फिर क्या है, 6 का 18 आ रहा है, तो इसका क्या आएगा, 6 3 18 आ गया। फिर है दोस्तों हमारे पास 18 और यहाँ पे कितना है 72, 18 चौके 72। यहाँ पे देखिए दोस्तों, पहले 2 से गुना, फिर 3 से गुना, फिर 4 से गुना। जो पिछले वाला है, उस पिछले वाला जो नंबर है उसको 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई होता हुआ आ रहा है। तो अब हमारा यहाँ पे जो सीरीज आएगी वो क्या आएगी दोस्तों, 72 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। 72 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर जो हमारा यहाँ पर आंसर आएगा वो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे दोस्तों हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज, जैसे नाम से पता चल रहा है कि ये उलझी हुई थोड़ी सी सीरीज हो सकती है। अब इसे समझने की हम कोशिश करते हैं। अब देखिए इसके अंदर क्या है, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं डिफरेंस कितना है। इन दोनों के अंदर डिफरेंस है हमारा 1 का। फिर 5 और 7 के अंदर है दोस्तों 2 का। फिर 7 और 10 के अंदर है 3 का। फिर 10 और 14 के अंदर है दोस्तों 4 का। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4 का डिफरेंस आ रहा है। तो अगला क्या डिफरेंस होगा दोस्तों, वो हमारा होगा 5 का, यानी कि 14 के अंदर जब हम 5 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 19 आ जाएगा। तो इसकी जो नेक्स्ट सीरीज होगी दोस्तों वो हमारी होगी 19 होगी। और उसके बाद है दोस्तों हमारे पास यूजिंग टू और मोर बेसिक अर्थमेटिक फंक्शन। अब देखिए कई सीरीज ऐसी हो सकती है जिसके अंदर एक या एक से ज़्यादा 2 फंक्शन भी उसके अंदर लग सकते हैं। अब देखिए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए इसका एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। यहां पे सबसे पहले देखिए 3 और 5 के अंदर कितने का डिफरेंस है दोस्तों, यहां पे 2 का डिफरेंस है। और फिर यहां पे देखिए 5 और 10 के अंदर कितने का है, 5 का है। फिर 10 और 2 के अंदर है दोस्तों 2 का, ठीक है। और फिर 12 और 24 के अंदर है दोस्तों 12 का। तो यहाँ पे हमें कुछ अच्छा पैटर्न दिखाई नहीं दे रहा कि क्या पैटर्न बन रहा है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे दोस्तों तो इसमें एक पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है। ये देखिए इन दोनों नंबर के अंदर कितने का है, 2 का डिफरेंस है। फिर इन दोनों के अंदर कितने का दोस्तों, 2 का डिफरेंस है। तो आगे जो हमारी सीरीज आएगी उसके अंदर भी 2 का डिफरेंस होगा। तो अगली जो सीरीज होगी दोस्तों उसके अंदर क्या होगा, 24 प्लस में 2 यानी कि 26। यहाँ पे अगर हम 26 लिख देते, देखिए जैसे यहाँ पे हमने 26 लिख दिया। अब देखिए दोस्तों इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया, और इन दोनों के अंदर 2 का डिफरेंस हो गया। तो इस तरह से ये जो हमारी सीरीज है पूरी तरह से बन रही है। दोस्तों एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि कई दोस्त ये सोच सकते हैं कि ये जो पैटर्न है ये तो बहुत आसान आसान पैटर्न है। तो UGC नेट के अंदर जो पैटर्न आते हैं दोस्तों वो आसान पैटर्न आते हैं, इतने ज़्यादा मुश्किल या कठिन पैटर्न नहीं आते। इसके अलावा भी कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, मुझे पता है अनेक अन्य एग्जाम में आते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर बेसिक करने की ज़रूरत है। NTA UGC नेट यानी निमिज नेट ऐप, कंप्लीट स्टडी नोट्स, लाइव मॉक टेस्ट फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड, ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर 2012 से लेके दिसंबर 2019 तक फॉर पेपर फर्स्ट एंड सेकंड। डाउनलोड इट ऑन गूगल प्ले स्टोर, लिंक गिवन इन वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स।
सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो पढ़े आसानी से। तो आज हम नंबर सीरीज के अंदर 2012 से लेकर 2019 तक जो भी क्वेश्चन आए हैं उन सभी को हम करने वाले हैं और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह की नंबर सीरीज पैटर्न यूज हुआ है, क्या ट्रिक यूज हुई है और किस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसमें इस वीडियो में आपको लेवल भी पता चल जाएगा कि UGC नेट में किस लेवल तक के क्वेश्चन आते हैं नंबर सीरीज में। तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से काफ़ी क्वेश्चन आगे भी आने की संभावना है, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना और ध्यान से देखना। ये दोस्तों अब हम अपना सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा दिसंबर 2015 के अंदर आया है। कल जो हमने पैटर्न किया था उसमें से देखते हैं इनमें से कौन सा पैटर्न लगता है। देखिए यहाँ पर इसने दिया है कि 2, 5, फिर 10, फिर 17, फिर 26, फिर 37। तो मैंने कल आपको कई पैटर्न बताए थे। तो सबसे पहले हमें इसमें ये देखना है कि ये बढ़ते क्रम में या चढ़ते क्रम में है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सभी के सभी जो नंबर है वो बढ़ रहे हैं, 2 से 5 हो रहा है, 5 से 10, 10 से 17। अब सबसे पहले हम इसमें ये देखते हैं कि इन सभी में डिफरेंस कितने का है। ये देखिए 2 और 5 के अंदर डिफरेंस है दोस्तों 3 का, फिर 5 और 10 के अंदर है दोस्तों 5 का, फिर है 7 का और फिर है कितने का है 9 का है और फिर कितने का डिफरेंस दोस्तों 11 का है। इस तरीके से इन सभी में आप डिफरेंस देख सकते हैं। और ये देखिए दोस्तों ये जो है इनके अंदर भी फिर डिफरेंस दिया हुआ है, इनके अंदर 2-2 का डिफरेंस दिया है, देखिए 3, 5, 7, 9, 11। तो यहाँ पे जो अगला जो हमारी डिजिट आएगी यानी कि यहाँ पे क्या आएगा 13 आएगा, 11 के बाद क्या आएगा 13 आएगा और ये 13 दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है, 37 के अंदर हमें ऐड करना है। जब 37 के अंदर 13 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास आएगा 50, जो कि इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए दिया है। तो इस तरह से हम बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे आते हैं। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा जुलाई 2016 के अंदर आया था। अब इसके अंदर देखिए इसके अंदर ये दिया है 3, 11, 23, 39 और 59। अब इनमें भी ये देखिए इनमें भी बढ़ते क्रम में है, तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से ये सोल्व करें। देखिए सबसे पहले हम इनके अंदर डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं कि कितना कितना डिफरेंस है। अब 3 और 11 के अंदर देखिए दोस्तों यहाँ पे 8 का डिफरेंस है और फिर 11 और 23 के अंदर है 12 का और 23 और 39 के अंदर है दोस्तों 16 का और 39 और 59 के अंदर है दोस्तों हमारा 20 का अंतर है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो अंतर आया है वो हमारा 8, 12, 16, 20 और इनके अंदर देखिए दोस्तों इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, इनके अंदर 4-4 का डिफरेंस है, 8, 12, 16, 20। तो यहाँ पे जो 20 के बाद आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, हमारे पास 24 आएगा और ये 24 दोस्तों हमें इसके अंदर ऐड करना है 59 के अंदर। जब हम 59 के अंदर 24 को ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 73 हमारा आंसर आएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हमारा बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। तो देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं और ऐसी बात नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन ना आए, मुश्किल क्वेश्चन भी आते हैं UGC नेट के अंदर, वो भी हम देखने की कोशिश करेंगे। तो अब ये देखिए जून 2012 के अंदर क्वेश्चन पेपर आया था और इसके अंदर देखिए इसके अंदर किस तरह से क्वेश्चन होगा। इसके अंदर हम देखें तो इसमें भी जो ऑर्डर है वो बढ़ते क्रम में है, 2, 6, 12, 20, 30 इस तरह के से इन्होंने क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। 2 और 6 के अंदर देखते हैं कितना है, 2 और 6 के अंदर दोस्तों 4 का डिफरेंस है, फिर 6 और 12 के अंदर है दोस्तों 6 का है, फिर 12 और 20 के अंदर है दोस्तों 8 का है, फिर 20 और 30 के अंदर है दोस्तों 10 का है, फिर यहाँ पे है 12 का और फिर है यहाँ पे दोस्तों कितने का, 14 का। तो यहाँ से देखिए 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो अगला जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो कितना होगा, 16 का डिफरेंस होगा और 16 को जब हम 56 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, 72 इसका आंसर आएगा। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना, आप एक बार देखिए ये जो मैंने किया है, सबसे पहले इनमें डिफरेंस देखिए, 2 और 6 के अंदर 4 का, 6 और 12 के अंदर 6 का है, 12 और 20 के अंदर 8 का है, 20 और 30 के अंदर 10 का है,
30 और 42 के अंदर 12 का है। तो इस तरह से आप डिफरेंस देख सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 का है। और तो इस तरह से जब 16 को हम 56 में ऐड करेंगे तो हमारा आएगा 72। तो यहाँ पे जो 72 इसका आंसर है, सी आंसर इसका दिया हुआ है। तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे हमारा क्वेश्चन आया दिसंबर 2012 के अंदर। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे आएगा। दोस्तों सबसे पहले हम इसमें डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं, कितना डिफरेंस है जो हम बेसिकली करते हैं। देखिए 0 और 6 के अंदर है दोस्तों, 6 का हमारे पास डिफरेंस है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 6 का। 6 और 24 के अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो है हमारा 18 का। 24 और 60 के अंदर है दोस्तों वो है हमारा 36 का। और फिर 60 और 120 है के अंदर है दोस्तों 60 का अंतर है। तो यहाँ से हमारा कुछ सही से पैटर्न नहीं बन रहा, हमें समझ में नहीं आ रहा कि क्या आगे प्लस होना चाहिए क्या माइनस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सही से पैटर्न नहीं बन रहा। तो अब हम एक चीज़ देखते हैं दोस्तों। जब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि हमें क्यूब देखना है या स्केयर देखना है, तो वो हम देखते कि क्या ये उसके नज़दीक है या नहीं है। अब देखिए इसके अंदर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। देखिए जीरो का स्केयर या क्यूब करोगे तो वो तो उतना ही रहेगा। अब इसको मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि हम सभी को अच्छे से समझ में आ जाए। 0, 6, 24, 60 और फिर हमने लिख लिया 120। अब देखिए इसके अंदर हम जब क्यूब करते हैं तो ये देखिए ये किसके क्यूब के इक्वल टू है, दो का क्यूब करते तो 8 आता है दोस्तों। दो की पावर 3 करते हैं जब 8 आ गया। और जब इसको ये किसकी पावर के इक्वल है दोस्तों, आप सोच के देखिए, ये जब हम 3 की पावर करते तो 27, तो ये कहीं ना कहीं 27 के करीब है, उसके इक्वल नहीं है लेकिन करीब है। फिर बात आती है हमारे पास 60। अब देख किसके क्यूब के इक्वल टू है, ये देखिए जब हम 4 का क्यूब करते तो 4 चौके 16, 16 चौके 64, तो कहीं ना कहीं ये क्यूब के पास में जा रहा है। तो उनमें हम देखते कि क्या हो सकता है। ये देखिए हमने 0 का क्यूब किया और इसमें से मान लो 0 ही हमने घटा दिया तो ये आ गया हमारे पास 0। फिर यहाँ पे 6 है तो 6 का हम करेंगे, जैसे कि 2 का क्यूब किया हमने 8 आ गया, 8 में से हमने कितना घटा दिया दोस्तों, हमने घटा दिया 2, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। इसी तरीके से आगे है हमारे पास 24 है तो 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का क्यूब कितना आ गया दोस्तों 27 आ गया, 27 में से हमने कितना माइनस कर दिया 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 60 है तो 60 का हम यहाँ पे कर लेते हैं 4 का क्यूब हमारे पास 64 होता है। जिसको क्यूब नहीं पता है दोस्तों, क्यूब का मतलब ये होता है जैसे 4 का क्यूब 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 3 बार गुना करना किसी भी चीज़ को, तो 4 का क्यूब होता है दोस्तों 64। 64 में से हमने 4 माइनस किया तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 60 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से जो ये 120 है, 120 में दोस्तों हम क्या करेंगे, 5 का क्यूब करेंगे 125, 125 में जब हम 5 माइनस करेंगे तो हमारे पास 120 आ जाएगा। तो अगली जो है दोस्तों ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे क्या आएगा, तो यहाँ पे सीधी सी बात है हमें 6 का क्यूब करना है, 6 का क्यूब और माइनस कितना करना है, 6 माइनस करना है। तो 6 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, वो होता है शायद हमारा 216, हाँ 216 होता है। 216 के अंदर जब हम 6 माइनस करेंगे तो हमारा जो आंसर है दोस्तों वो क्या आएगा, वो हमारा 210 आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी हमारे पास आ सकते हैं, बस उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। हाँ थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लग सकता है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे इस तरह के क्वेश्चन की तो आपको आने लग जाएंगे, जल्दी जल्दी आप करने लग जाएंगे क्वेश्चन। और अगर किसी दोस्त को ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज़ आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो दोबारा भी देखना, उससे भी आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। देख तो चलिए दोस्तों अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दोस्तों हमारे पास जून 2013 का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर देखिए दोस्तों इसके अंदर हमारे पास 40 का 120 है, फिर 60 है, फिर 180 है, फिर 90 है। अब देखिए इसके अंदर मैंने बताया था आपको कि सबसे पहले हमें देखना है कि सीक्वेंस सही है या गलत है। अब इसमें देखिए सबसे पहले बढ़ गया,
40 से 120 हो गया, फिर माइनस हो गया, फिर प्लस हो गया, फिर माइनस हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह से चल रहा है। और इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो शुरू में ही आपको क्ल्यू मिल रहा है। अब देखिए 40 गुना 3 कितना होता है, 120 होता है, यानी कि 4 × 3 = 120। और फिर देखिए 6 × 3 = 18, यानी कि 60 × 3 = 180 हो गया। तो 9 देखिए यहाँ पे क्या है, जो 120 है दोस्तों वो 40, देखिए यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, 40 गुना में 3 कर दिया हमने, फिर 60 गुना में 3 कर दिया हमने। अब देखिए दोस्तों 40 गुना में 3 कर दिया हमने, कितना आ गया, 120 आ गया, फिर 60 गुना में 3 कर दिया, 180 आ गया। तो फिर आगे क्या होगा दोस्तों, 90 गुना में 3 होगा हमारे पास, तो 9 × 3 = 27, यानी कि 270 हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो 40 को 3 से गुना किया है, 60 को हमने 3 से गुना किया है, और फिर 90 को हम 3 से गुना करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कॉम्प्लेक्स भी एक सीरीज बताई थी, उसके अंदर भाई उलझा पुलझा हो सकता है। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को कर सकते हैं आप, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। हर बार प्लस ही नहीं होगा, उनके अंदर माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है और मल्टीप्लाई भाग कुछ भी हो सकता है, उनके अंदर हमें देखने की आवश्यकता है। और उनके अंदर एक जो टर्म है छोड़ के दूसरे टर्म से भी रिलेशन हो सकता है, तो ये थोड़ा आप देखने की कोशिश करना। और बार बार कह रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छे से क्वेश्चन आपको आएगा। और अब हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, ये हमारा जून 2014 के अंदर क्वेश्चन आया था। इसके अंदर 4, 5, 8, 13, 14, 17, 22 दिया है। अब देखिए इसके अंदर ये कह रहा कि इनमें से कौन सा आंकड़ा नहीं आता, कौन सी जो सीरीज है वो गलत है इनके अंदर, वो हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, सबसे पहले वही करेंगे कि इनके अंदर डिफरेंस है वो देखेंगे दोस्तों। देखिए डिफरेंस हम देखते हैं, 4 और 5 के अंदर है दोस्तों 1 का, 5 और 8 के अंदर है दोस्तों 3 का, फिर है 8 और 13 के अंदर है दोस्तों 5 का, और फिर है दोस्तों हमारे पास 1 का, फिर है 3 का, और फिर है 17 और 22 के अंदर है दोस्तों हमारा 5 का। तो ये हमने डिफरेंस देखा है दोस्तों, आप कॉपी में लिख लेना चाहिए, ये क्वेश्चन कॉपी में करके देखोगे ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इनके अंदर हमने 1, 3, 5, 1, 3, 5 ये सीरीज हमारी चल रही है, तो आगे जो सीरीज होगी दोस्तों वो भी क्या होगी, हमें 22 के अंदर, देखिए 22 के अंदर पहले क्या करना पड़ेगा, पहले हमें 1 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि कितना आ गया हमारे पास, 23 आ गया। 23 के अंदर दोस्तों अब हमें क्या करना पड़ेगा, 3 ऐड करना पड़ेगा, कितना आ गया, 26 आ गया। अब 26 के अंदर हमें क्या ऐड करना पड़ेगा दोस्तों, 5 ऐड करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 31 आ गया। ठीक है, तो ये कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा आंकड़ा नहीं होगा वो हमें बताना है। अब देखिए 31 तो इसमें होगा, ये तो ठीक है। अब देखिए 31 तक की सीरीज आ गई, 31 के बाद हमारा क्या होगा, उसके बाद भी हमें वही सीरीज अपनानी है, यानी कि देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, 31 के बाद क्या करना है, 31 जमा में 1 करना है, तो कितना आ गया हमारे पास, 32 आ गया। 32 जमा में हमें क्या करना है, 3 करना है, तो ये कितना आ गया, 35 आ गया। 35 जमा में कितना करना है, 5 करना है, तो कितना आ गया, 40 आ गया। तो इनके अंदर ये देखिए दोस्तों हमारे पास 31 भी आ गया था, 32 भी आ गया था, 35 भी आ गया, लेकिन जो 33 है वो हमारे पास सीरीज नहीं आई, 33 जो नंबर है वो नहीं आया जो हमने क्वेश्चन किया है। तो इसका राइट जो आंसर है दोस्तों वो हमारा होगा 33, इसका आंसर होगा। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं, बस थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये दिसंबर 2014 के अंदर आया था दोस्तों। इसके अंदर इन्होंने कहा है कि अगला पद कौन सा होगा। अब देखिए 2, 7, 28, 64 और 126 दोस्तों ये तो बिल्कुल आंखों के सामने ही है हमारा। देखिए अब चलिए इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये लिख दिया मैंने 2, 7, 28, फिर है 63, फिर है 126। अब देखिए दोस्तों इसके अंदर क्या है, इसके अंदर देखिए थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 63 है, 63 मतलब 64 के करीब है, 126 है 125 के करीब है, 28 है वो 27 के करीब है, 7 है वो 8 के करीब है। यहाँ से क्या कुछ आया समझ में आपको, क्यूब चल रहा है दोस्तों, क्यूब क्यूब की बात हो रही है यहाँ पे। देखिए अगर हम यहाँ पे 1 का क्यूब कर देते हैं और 1 के क्यूब में 1 ही ऐड कर देते हैं,
तो हमारे पास 2 आ जाएगा। अब देखिए 7 है तो 2 का क्यूब हमने कर दिया, 2 का क्यूब होता है हमारे पास 8 होता है, 8 में से हम माइनस 1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 7 हमारे पास आ जाएगा। इसी तरीके से 28 है, 28 का क्या होगा दोस्तों, 3 का क्यूब हम कर देते हैं, 3 की पावर 3 कर देते हैं और प्लस में 1 कर देते हैं तो कितना आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा, क्योंकि 3 का क्यूब होता है 27, 3 या 9 9 या 27, 27 जमा में 1। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारा क्यूब हो रहा है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब और फिर देखिए ये 4 का क्यूब, 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है, 64 में से हमने 1 माइनस कर दिया, यानी कि यहाँ तो 1 2 3 का हमारे पास क्यूब होता हुआ जा रहा है, यहाँ से क्यूब होता हुआ जा रहा है और यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस होता हुआ जा रहा है। तो हमें लास्ट में देखना है कि लास्ट में जो सीरीज है, जैसे हमारी 126 है, 126 देखिए, 126 किसका क्यूब होता है, 5 के क्यूब में जब हम 1 जोड़ते हैं तो हमारा 126 आता है, 5 का क्यूब कितना होता है दोस्तों 125 होता है, 125 जमा में 1 कर दिया तो हमारे पास आ गया 126 आ गया। तो नेक्स्ट जो सीरीज आएगी वो क्या होगा दोस्तों, हमें 6 का क्यूब करना है और अब बताइए 6 का क्यूब करने के बाद हमें इसमें प्लस करना है माइनस करना है, यहां पे प्लस हुआ तो अगला क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस करने पे हमारे पास क्या आएगा, 6 का क्यूब होता है 6 का क्यूब होता है हमारे पास 216 माइनस में 1 तो कितना आ जाएगा 215 और 215 इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर दिया हुआ है। तो दोस्तों इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये हमारा जून 2015 के अंदर क्वेश्चन आया है, इसके अंदर इन्होंने सीरीज दी है 2, 5, 9, 19, 37। अब इसमें हम करने की कोशिश करते हैं इसमें क्या हो सकता है, ये देखिए 2, 5, 9, 19 और 37। देखिए कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो देखते ही हमें आइडिया सा लगने लग जाता है। अब देखिए इन दोनों के अंदर कितना रिलेशन है, इन दोनों के अंदर क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है, ये देखिए 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया 5 हो गया, ध्यान से देखिए दोस्तों 2 × 4 जमा में 1 कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है ये हो गया। अब 9 कैसे हो सकता है, 5 × 10, 10 में से 1 माइनस कर दिया कितना हो गया 9 हो गया, ठीक है फिर हमारे पास 9 हो गया, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया, तो यहां से बिल्कुल हमारे पास साफ साफ नजर आ रहा है। चलिए मैं आपको थोड़ा करके दिखा देता हूं, देखिए 2 × 2 जमा में 1 जमा इक्वल टू हो गया 5, फिर अब 5 × 2 माइनस में 1 कितना हो गया 9, फिर क्या है 9 × 2 प्लस में 1 कितना हो गया हमारे पास 19 हो गया। ये करके देखिए 2 × 4 और 1 5, 5 × 10, 10 में से 1 गया 9, 9 × 18 जमा में 1 19 हो गया। इसी तरीके से 37 कैसे आएगा, 19 × 2 19 × 38 माइनस में 1 कितना हो गया 37 हो गया। तो अब देखिए अगला क्या आएगा, 37 × 2 और प्लस में 1 तो कितना आएगा, ये आप देखिए ये हमारा आएगा 75, 37 × 2 होता है 74 प्लस में 1 75 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं और आप करके देखना दोस्तों, ये जितने भी क्वेश्चन करवाए हैं मैंने आप सभी ये कॉपी में लिखना इनकी स्टेटमेंट और करके देखना, और सॉल्यूशन मैंने आपको साथ के साथ दिए हुए हैं आप चेक करना, और फिर भी आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास अगस्त 2016 का क्वेश्चन है, इसके अंदर देखिए इन्होंने दिया 1, 5, 13, 25, 41। अब इसमें देखते हैं कि इसमें हमारा क्या हो सकता है। अब देखिए 1, 5, 13, 25 और फिर 41। अब देखिए इनके अंदर सबसे पहले इनमें देखते हैं 1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है दोस्तों 4 का है, 5 और 13 के अंदर है दोस्तों 8 का है, 13 और 25 के अंदर कितना है दोस्तों 12 का है, 25 और 41 के अंदर है दोस्तों 16 का अंतर है। तो अगला क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे हमारा
20 आएगा, 16 के बाद क्या आता है 20, 20 को जब जब हम 41 के अंदर ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 61 आ जाएगा। और ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया था दोस्तों। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जनवरी 2017 के अंदर क्वेश्चन आया था, इसमें देखते हैं कि क्या होगा। और ये क्वेश्चन भी दोस्तों हमने पहले किया है, अभी किया है, वही है कि बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन पेपर में। क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट के अंदर बहुत क्वेश्चन रिपीट होते हैं, लेकिन आप जो लोग हैं वो ध्यान नहीं देते। देखिए इसके अंदर 1, 4, 27, फिर है 16, और फिर है डैश दे दिया, और फिर है 36। ये तो दोस्तों बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है। कैसे आसान है देखिए, इसके अंदर मैं बताऊँ आपको। जैसे एक है, एक का तो चाहे आप क्यूब कर लो, स्केयर कर लो, जो कुछ भी कर लो, वो तो एक ही रहेगा। अब देखिए चार है, चार किसके इक्वल टू हो सकता है, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4। 27 क्या हो सकता है दोस्तों, 3 की पावर 3। 4 क्या हो सकता है, 2 की पावर 2। और 16 क्या हो सकता है दोस्तों, 4 की पावर 2। अब देखिए थोड़ा, जिन दोस्तों को मैथ थोड़ा कम आता है वो थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पे। जैसे 1 की पावर हमने 3 ही कर लिया, 1 की पावर 3 करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 की पावर हमने 2 की, 2 दूनी 4। 3 की पावर 3 की, 3 तिया 9, 9 तिया 27। फिर 4 की पावर 2 की, 4 चौके 16। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, ये जो डैश दिया हुआ है इस तरह का, यहाँ पे इस पे क्या आएगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के पावर 2 करेंगे या 3 करेंगे, पहले ये बताइए। हम यहाँ पे पावर 3 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए पहले पावर 3 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 2 है, तो अब क्या आएगा, 3 पावर आएगी। तो 5 की पावर जब 3 करते तो कितना आएगा, 25, और 25 गुना में 5 कितना होता है, 125 होता है दोस्तों। तो इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारे पास जुलाई 2018 के अंदर आया था, इसके अंदर देखते हैं। ये देखिए इन्होंने कहा है -1, फिर 5, 5, फिर है 15, और फिर है 29। अब देखिए इसके अंदर सबसे पहले हम डिफरेंस देखने की कोशिश करते हैं। अब देखिए -1 और 5 के अंदर कितना डिफरेंस है, ये बताइए दोस्तों सबसे पहले आप, इनके अंदर कितना डिफरेंस है। इसके अंदर कई दोस्त कहेंगे कि 5 का डिफरेंस है, कई 6 कहेंगे, तो रियल में इसके अंदर जो डिफरेंस है दोस्तों वो 6 का डिफरेंस है, क्योंकि इसके अंदर 0 हम काउंट करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 6 का डिफरेंस हो गया। फिर 5 और 15 के अंदर दोस्तों 10 का डिफरेंस है, फिर 15 और 29 के अंदर दोस्तों हमारे पास 14 का डिफरेंस है। तो अब देखिए इनके अंदर कितने कितने का डिफरेंस है, नीचे देखिए दोस्तों 4, 4 का डिफरेंस है, 6 जमा में 4 10, 10 जमा में 4 14, 14 जमा में 4 कितना होगा दोस्तों, 18 होगा। और ये 18 जब हम 29 के अंदर ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा हमारे पास 47 आएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कितने आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पाते, तो थोड़ा आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। और ये देखिए जुलाई 2018 में क्वेश्चन आया है, और अब हम अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारे पास दिसंबर 2018 का क्वेश्चन। अब देखिए इसके अंदर 5, 19, 39, 101, 181, 295 इन्होंने सीरीज दी है, और अगली सीरीज हमें देखनी है क्या आएगी। दोस्तों ये क्वेश्चन आप करके देखना, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा बस डिफिकल्ट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। चलो मैं आपको हिंट बता देता हूँ, इसका हिंट क्या होगा। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 और 19 के अंदर, फिर 19 और 39 के अंदर, इन सभी के अंदर आप डिफरेंस देखना, ठीक है, सभी के अंदर डिफरेंस देखना। हम मान लेते हैं कि डिफरेंस आ गया 10, 14, 25, इस तरीके से डिफरेंस आ गया। वो डिफरेंस आने के बाद में फिर नीचे जो एक और डिफरेंस आए, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आप देखना, ठीक है। इस तरीके से 6, 6 आ जाए, या 4, 4, जो भी डिफरेंस आए वो आप, फिर यहाँ पे जो दोस्तों डिफरेंस आए 6, 6 या 4, 4, जो भी डिफरेंस आए, वो डिफरेंस आपको यहाँ पे जो सीरीज आए उसके अंदर ऐड करना है, और ये जो सीरीज आए दोस्तों इसके अंदर वो फिर 295 के अंदर ऐड करना है, ठीक है।
आप मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूँ? चलो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहले इनके अंदर डिफरेंस देखना दोस्तों, 5 और 19 के बीच में, 19 और 49 के बीच में, 101 के बीच में, इन सभी के बीच में आप डिफरेंस देखना, और वो जो डिफरेंस आए फिर उनके अंदर डिफरेंस देखना क्या क्या डिफरेंस हो, ठीक है, और वो जो डिफरेंस आए वो कॉमन डिफरेंस कितना है वो डिजिट फिर उसके अंदर ऐड करना, ठीक है। इस तरीके से आप करके देखना, ये आ जाएगा, बिल्कुल आसान है। अगर फिर भी किसी भी दोस्त को ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, हम आपको आंसर देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और वैसे इसका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए बी इसका आंसर है, 449 इसका आंसर आएगा, लेकिन आप अपने आप करके देखना कि क्या इसका आंसर 449 ही आता है या नहीं आता है, ठीक है। और आगे दोस्तों, आगे हमारे पास दिसंबर 2018 का ही क्वेश्चन पेपर है ये, तो इसके अंदर देखिए ये भी आसान है, ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है। देखिए इसके अंदर क्या है, 0, 1, 9, 36 और 100। अब देखिए दोस्तों ये तो बिल्कुल आसान है दोस्तों, बिल्कुल आसान है, ये तो साफ साफ शब्दों में दिख रहा है। देखिए 9 है, 9 किसके पावर होते हैं दोस्तों, 3 3 9, 36 है 6 6 36, 100 है 10 की पावर 2, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे 1 है तो 1 की पावर 1, 0 है 0 की पावर 2 कर दो यहाँ पे 1 की पावर। अब देखिए 0 1 3 6 10, यहाँ पे हो गया सभी की पावर हो रही है, 3 की पावर 2, 3 3 9, 6 की पावर 6 6 36, 10 की पावर 2, 100 हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 का डिफरेंस, यहाँ पे 2 का, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, तो आगे क्या आएगा, 10 में जब हम 5 ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा, और 15 की पावर 2 कितना होगा दोस्तों, वो हमारे पास होगा 225, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, 225 इसका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप बिल्कुल आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं, और अगर आपको जेआरएफ लेना है तो आप ये सभी के सभी क्वेश्चन आप एक बार दोबारा करके देखिए, ये डेफिनेशन, ये जो सवाल है कॉपी में लिखिए, कॉपी में कर करके देखिए, और कोई सवाल नहीं आता तो आंसर हमने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया हुआ है, आप दोबारा वीडियो देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का बटन ज़रूर दबाइए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ को आसानी से देख सकें। थैंक यू दोस्तों।